अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं राना हैदर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदर टक डॉट पी को। तो फ्रेंड्स, इमेज की तरह आए फिर मैंने वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बात करने वाले हैं इस तरह की फोटो एडिटिंग जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की एडिटिंग होने वाली है, मतलब क्राइम सीन, मतलब किस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हमारी फोटो एडिटिंग है। तो फ्रेंड्स, सिंपली बहुत ही मज़े की एडिटिंग होने वाली है, इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपली बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं एडिटिंग, अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी आप जाके इस तरह की एडिटिंग कर सकेंगे, वरना आप मेरे कोई भी स्टेप मिस करेंगे उससे आपकी कोई भी गलती या मिस्टेक हो सकती है, जिससे आपकी वीडियो एडिटिंग अधूरी रह जाए, मतलब कि नामुकम्मल रह जाए। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड वीडियो पहले बहुत सी लंबी है, तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ देखिए बेल आइकन उनको प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक फौरी पहुंच जाए। फ्रेंड, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को जाने बढ़ते हैं। तो सिंपली फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही देखिए बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक फौरी पहुंच जाए। फ्रेंड, सिंपली मैं आपको मेरी तस्वीर दिखा दूँ जिसको मैंने ऊपर एडिटिंग करनी है। तो फ्रेंड, सिंपली मैं फोटोज में आता हूँ। फोटोज में आने के बाद सिंपली ये देखिए मेरी तस्वीर है जिसके ऊपर मैंने एडिटिंग करनी है। ये देख सिंपली फ्रेंड, सिंपली ये देखिए ये मेरी तस्वीर है, इसके फ्रेंड बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी रेज करके रखा हुआ है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर वीडियो का कोई फायदा नहीं होता है बनाने के लिए, तो क्योंकि आप लोग देखते नहीं, स्किप करके देते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स बैकग्राउंड रेज करना नहीं आता है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और फेस मतलब कि स्किन स्मूथ कैसे करते हैं उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सिंपली वो जाकर आप देख लें और अपने बैकग्राउंड और स्किन स्मूथ कैसे करते हैं वो आप जाकर सिंपली देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंपली हम अपने जो हमारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है पिक्सआर्ट, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। सिंपली तो ये लोडिंग ले रहा है फ्रेंड्स, सिंपली इसको मैं कट करके बैक करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ बैक करता हूँ जी। सिंपली ठीक है, डोंट सेव करता हूँ फ्रेंड्स। सिंपली मैं आ जाता हूँ जी स्टार्ट एडिटिंग में, ऑल फोटोज़ में आता हूँ। ऑल फोटोज़ में आने के फ्रेंड्स, सिंपली रिसेंट में आना है। सिंपली फ्रेंड्स, आपने डाउनलोड के फोल्डर में आना है। डाउनलोड के फोल्डर में आने के बाद सिंपली फ्रेंड्स आपको ये वाला बैकग्राउंड मिल जाएगा। इधर किधर गया वो बैकग्राउंड, इधर बैक आते हैं। बैक आने के फ्रेंड्स सिंपली आपने दोबारा से और डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, मेरे इधर पड़ा है मेरा ख्याल है ये वाला। तो फ्रेंड्स सिंपली ये देखें, ये हमारा बैकग्राउंड है। सिंपली इसको आपने इधर ले लेना, ठीक है। तो फ्रेंड, जो भी मैं मटेरियल वीडियो में यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। फ्रेंड, सिंपली आपने जी इस तरह ले लेना। फ्रेंड, सिंपली आपने ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद सिंपली फ्रेंड आपने रिसेंट में जाना है, आपने पिक्सआर्ट में जाना है, क्योंकि मैंने अपना बैकग्राउंड ऑलरेडी रेज करके रखा, क्योंकि बाद में फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। पिक्सआर्ट में आने के बाद फ्रेंड्स, सिंपली ये देखिए मैंने अपना बैकग्राउंड रेज करके रखा हुआ। सिंपली इसको मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने फ्रेंड सिंपली मैं इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह लगे कि जिस तरह हमारी रियल तस्वीर है, ठीक है, कोई फेक वगैरह काम ना हो, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपली आपने आ जाना जी, इसको लेके आना है जो ड्रॉ टूल में, ठीक है। ड्रॉ टूल में लेने के आने फ्रेंड्स, सिंपली आपने इस तरह आना है, आपने इस लेयर पे ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करें फ्रेंड्स, आपने ब्रश वाले साइज में आना है। ब्रश आने में फ्रेंड्स आपने इसको ये वाला जो है इसको, ठीक है, लेने फ्रेंड्स आपने इसकी ओपेसिटी को इस तरह करना है, ठीक है, इस तरह, और इसकी आपने हार्डनेस को भी स्लो करना है, ठीक है। इस तरह करने फ्रेंड्स, सिंपली आपने इसके नीचे इस तरह शेडो बनानी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। दोबारा आते हैं जी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम आ जाते हैं ब्रश में। ब्रश में फ्रेंड सिंपली मैं इसका ये वाला चूज करता हूँ, हार्डनेस इसकी इस तरह, और ओपेसिटी को भी आपने फ्रेंड इस तरह स्लो रखना है, ठीक है, इस तरह सेट करते हैं। अब फ्रेंड सिंपली आपने इसको अपने जो पैर के नीचे नीचे है, ठीक है, पैर के नीचे वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर आपने इस तरह पेस्ट करना है, क्योंकि इस तरह ये हमारी शेडो बन जाएगी, ठीक है। शैडो का मतलब होता है हमारी परछाई, ठीक है। अगर हम अपनी शैडो नहीं बनाएंगे तो फ्रेंड्स सिंपली ये तस्वीर बिल्कुल ही फेक लगेगी, ठीक है। आपने इस तरह अपने पैरों के नीचे इस तरह शैडो क्रिएट करनी है, ठीक है, इस तरह। तो फ्रेंड्स, जो आपने अपने दोनों पैरों के नीचे अच्छे तरीके से शैडो क्रिएट करनी है, ठीक है। मेरे एक पैर के नीचे होगी, दूसरों के मैं फ्रेंड्स इस तरह ये इस तरह आपने इसका शैडो क्रिएट करनी है, ठीक है, इस तरह, क्योंकि हमारा पैर की तरफ परछाई इस तरह आएगी, इस तरह, और आपने इसके नीचे भी इस तरह करनी है, ठीक है, इस तरह, ये देखिए इस तरह। फ्रेंड, ये शैडो हमारी मेन चीज़ होती है, अगर आप शैडो नहीं ना बनाएंगे तो फ्रेंड सिंपली आपकी तस्वीर ही फेक लगेगी, जिस तरह मतलब कि ना एडिटिंग हुई है। अगर आप इस तरह करेंगे तो फ्रेंड सिंपली ये इस तरह नहीं लगेगी। फ्रेंड सिंपली ये देखिए मैंने शैडो क्रिएट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो लेके आऊँ तो फ्रेंड सिंपली आपने मुझे कमेंट में बताना है आपका भाई आपके लिए लेके आएगा इस शैडो की मुकम्मल वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो उसमें आपको मुकम्मल मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरह शैडो क्रिएट करते हैं। फ्रेंड सिंपली जैसे मैंने शैडो क्रिएट कर लिया, तो फ्रेंड सिंपली मैं इसका इसको भी इस तरह अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। फ्रेंड सिंपली आपने अच्छे तरीके से शैडो क्रिएट करनी है, इस तरह हमारी तस्वीर में रियलिस्टिक
लुक आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैं लेयर में आता हूँ, लेयर में फ्रेंड्स आपने इसकी ओपेसिटी को इस तरह कम करना, इतना ज़्यादा भी नहीं करना, मतलब कि इस तरह कम करना का मतलब रियलिस्टिक लगे फ्रेंड्स, सिंपली इतना ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सिंपली ये देखिए कितना रियलिस्टिक हमारी लुक आ गई हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ओके करते हैं। ओके करना फ्रेंड्स, सिंपली आपको आपने इसको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करना फ्रेंड्स, सिंपली आपने आ जाना जी अब ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने फ्रेंड्स, सिंपली आपने रिसेंट में आना जी, डाउनलोड के फोल्डर में सिंपली आ जाना जी। डाउनलोड के फोल्डर में आने के फ्रेंड्स, सिंपली आपने इसको इस तरह एडजस्ट करना। ठीक है, ये आपको मैं दे दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में, ये जो पट्टियाँ वगैरह है इसको आपने अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना, जिधर आपको अच्छा लगे कि आपने इधर लगानी है उधर लगानी है वो आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह, ठीक है ना, इस तरह ये देखें फ्रेंड्स। सिंपली मैं इसको रेजर में जाऊँगा तो फ्रेंड्स सिंपली मैं चाहता हूँ कि मेरे ये ऊपर वाला जो बाजू का हिस्सा इसको मैं रेज करूँ। ठीक है, ये मेरी बाजू के पीछे आ जाए इस तरह। ठीक है, ये देखें फ्रेंड्स सिंपली, ये देखें हमारी रेज का लुक आ जाएगी। ठीक है, इस तरह ये देखें। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली इसको ओके करते हैं। ओके ना फ्रेंड्स सिंपली, ये तो बस ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये भी हमारी बाजू के पीछे चला जाएगा इतना हिस्सा, ये देखें। ठीक है, इतना इस हिसाब से फ्रेंड्स सिंपली आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने इसको किस तरह एडजस्ट करना है फ्रेंड्स सिंपली। फिर आपने इसको ओके करना, ओके ना फ्रेंड्स आपने ऐड फोटो में जाना, ऐड फोटो में जाना फ्रेंड्स सिंपली आपको जो पट्टियाँ मैं दूंगा उसको आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स सिंपली, मैं आप जाता हूँ ऐड फोटो में। ऐड फोटो में फ्रेंड्स सिंपली ये देखें जी, हमारा एक ये वाली है। ठीक है, इसको भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपली आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाना, जिधर आपको अच्छा लगे पट्टी वगैरह, ये जो सिस्टम है ना सारा, जिधर आपको अच्छा लगे आपने उस हिसाब से इसको एडजस्ट करते जाना है। ठीक है, इस तरह। अरे जब फ्रेंड सिंपली आपने ये देखिए अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते जाना है, ये देखें। ठीक है, इस तरह फ्रेंड्स, ये आपने एडजस्ट करते जाना, मतलब कि आपने अपने अपने हिसाब से, मतलब कि अपने बॉडी के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो सिंपली इस तरह आपने इसको एडजस्ट करते जाना है इस तरह। ठीक है, और इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं कट वगैरह, बाकी ठीक है, इसको हम डन करते हैं। डन फ्रेंड्स, सिंपली आपने फिर जाना है इसको ओके करना, और करना फ्रेंड्स आपने ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाना फ्रेंड्स, सिंपली आपने इसको इस तरह जो सब मैं आपको दूंगा पियान जी, आपने सबको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है ना, इसको भी हम इस तरह लगा लेते हैं इस तरह। ठीक है ना, अरे जब जाएंगे इस तरह इसको हम एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह डन करते हैं फ्रेंड्स। इस तरह आपने इसको एडजस्ट करते जाना है फ्रेंड्स, आपने अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करना, मतलब जिधर आपको अच्छा लगे, जिधर आपको मतलब पता लगे कि यार वाकई रियलिस्टिक लुक आ रही है, आपने उधर एडजस्ट करना। आपने मेरी तरफ नहीं देखना कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे करें फ्रेंड्स, आप मुझसे अच्छा मनाएंगे, फोटो एडिटिंग करें फ्रेंड्स, उससे मुझे खुशी होगी। ठीक है, अगर आप मेरी तरफ देखेंगे, आप मेरी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मेरी मतलब कि मैं अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्टमेंट करूँ, आपकी बॉडी आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करें। ठीक है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। ठीक है, आप ये आप इसको भी आपने इस तरह लगा लेना है। ठीक है, इस तरह रेज बजाएंगे हम इसको, अपने ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम रेज कर देंगे। ठीक है, इस तरह डन करते हैं फ्रेंड। ये देखें इस फ्रेंड आपने इसको डन कर, इसको भी आपने इस तरह लगा लेना है। ठीक है, इस तरह रेज बजाएंगे हम इसको, अपने ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम रेज कर देंगे। ठीक है, डन करते हैं फ्रेंड। ये देखें इस फ्रेंड आपने इसको डन करना, डन करना फ्रेंड्स आपने ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाना फ्रेंड्स सिंपली आपने जी इस तरह रिसेंट में होगा, आपने डाउनलोड के फोल्डर में आ जाना है। डाउनलोड के फोल्डर में फ्रेंड्स सिंपली ये हमारी पियान जी ये वाली, ठीक है ना, इसको आपने इस तरह आखिर पे लगाना है एंड पे। ठीक है ना, इस तरह ये देखें इसको आपने इस तरह लगाना जी आपने इस तरह। ठीक है ना, इसको इस तरह डन करते फ्रेंड्स सिंपली आपने इसको डन करना। डन करने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आपने जी अब आपने क्या करना, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको स्मूथ करना नहीं आता फ्रेंड्स सिंपली आप वो मेरी वीडियो जाकर वॉच करते हैं, अपना फेस स्मूथ कर सकते हैं फ्रेंड्स सिंपली। अब आपने जाना है जी इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में जाना है फ्रेंड्स सिंपली, आपने ब्लर वाले इफेक्ट्स में जाना है, ब्लर वाले इफेक्ट्स में जाना है फ्रेंड्स सिंपली। इधर ये देखें मेरे पास होगा ब्लर वाला इफेक्ट ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, ब्लर में जाना है फ्रेंड्स सिंपली। आपने इसको रेजर पर जाना है, इसको आपने रेजर पर जाना फ्रेंड्स, आपने इसको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करना फ्रेंड्स सिंपली, ये जो आपको नज़र आ रहा है जी की हिप्नोटिस,
इसके ऊपर आपने इसको इस तरह अरे मतलब के ब्लर करना है ये इस हिसाब से, ठीक है ना, इससे ये देखिए, इससे ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इसको इस तरह एडजस्ट करना, ठीक है, ये देखें इस तरह ब्लर। फ्रेंड्स आपने इसको पहले ब्लर कर लेना है इस तरह, ये हमारी फर्स्ट पट्टी है, इसको आपने इस तरह ब्लर करना है क्योंकि ये रियलिस्टिक लुक आ जाएगी हमारी तस्वीर ना, कि ये देखिए ब्लर है। फ्रेंड्स आपने इसको डन करना, डन फ्रेंड्स आपने ब्लर पर क्लिक करना है और इसकी ब्लर को आपने इस तरह स्लो करना है इस तरह, ठीक है, ये देखिए इतना ज़्यादा भी हमें ब्लर नहीं रखना इतना, ठीक है। इसको डन करते हैं, डन करना फ्रेंड्स सिंपली आपने जी अब आना है जी फैक्ट्स में आना है, ठीक है, फैक्ट्स में आना फ्रेंड्स सिंपली आपने ब्राइटनेस में सिंपली आना है, सॉरी बैक आते हैं, बैक ऑन फ्रेंड्स जी आपने टूल्स में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना फ्रेंड्स आपने इसकी ब्राइटनेस को इस तरह लो करना है और आपने इसकी सैचुरेशन को इस तरह भी माइनस करना है, माइनस कर लें, ठीक है, माइनस करना है और आपने इसके हाईलाइट्स के मुकम्मल माइनस करना है, रेजर पर जाना है, अरे फ्रेंड आपने इन्वर्ट पर जाना फ्रेंड्स सिंपली, ये जो हमारे हैं ना जी जो हमने ये पट्टियाँ वगैरह लाई हैं इसके ऊपर आपने इसको इस तरह पेस्ट करते जाना है, ठीक है, इससे ये हमारी हम इसकी शेडो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड सिंपली आपने इसका सब मतलब कि सब पट्टी के ऊपर आपने जल्दी जल्दी से इसको इस तरह करते जाना है रेज, ये देखें इस तरह मैं कर रहा हूँ ना, इस तरह आपने सब पट्टी जो हमने हमारी तमाम पट्टियाँ ना इस पर आपने इस तरह इसको कर देना, ठीक है। अब इसको डन करते हैं, डन कर फ्रेंड्स आपने जो अब ब्राइटनेस में आना है और ब्राइटनेस को इस तरह स्लो करना है, ठीक है ना, और जो हमारी सैचुरेशन है इसको भी आपने इस तरह माइनस में इस तरह लेके जाना जी प्लस में, ठीक है इतना, और जो हमारी हाइलाइट्स है इसको भी आपने इस तरह कम करना है, ठीक है। इसको डन करते हैं, डन कर फ्रेंड्स जो हमारा बाकी हमारा काम है जी लाइट रूम में होगा। फ्रेंड्स सिंपली मैं अपने हेयर पीएनजी लगा लेता हूँ, अगर आपको हेयर पीएनजी चाहिए मेरे वाले फ्रेंड उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मेरी हेयर पीएनजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं पिक्सआर्ट में आता हूँ सिंपली, तो फ्रेंड सिंपली मैंने अपने पहले से अपने हेयर पीएनजी खुद ही मैंने तैयार करके रखी हुई है क्योंकि मैंने अपने बालों के हिसाब से अपनी पीएनजी तैयार की है, ठीक है। इसको लेके फ्रेंड सिंपली ये देखिए, ये मेरी पीएनजी है मेरी बालों की, इसको मैं इस तरह लगाऊंगा, इसको एडजस्ट करूँगा और ये देखें इस तरह, ठीक है, ये देखें फ्रेंड। अगर आपको पीएनजी वगैरह भी नहीं बनाना आती उसका लिंक मुझे बता दें, मैं उसका लिंक भी आपको नीचे आपको मैं वो भी वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा, ठीक है ना, ये देखें इस तरह फ्रेंड जी देखिए मैंने पीएनजी सेट कर ली है, इसको मैं और थोड़ा सा कर लेता हूँ रेज, ये क्या हुआ इस तरह, ठीक है ना, इस तरह ये हमारी तस्वीर में यस लुक आ जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स आपने हेयर पीएनजी सेट करना है फ्रेंड्स सिंपली आपने इसको ओके करना, ओके फ्रेंड्स आपने इसको इस तरह डन कर देना, ठीक है फ्रेंड्स सिंपली, ये मेरी पीएनजी मेरे हेयर के हिसाब से मैच हो गई है इस तरह, ये क्या हो रहा है इसको, ये क्या हो रहा है, डन हो जा, ये मसला कर रहा है, क्या हुआ इसको। तो फ्रेंड्स आपने अपने मतलब कि हेयर वगैरह सेट करने फ्रेंड्स आपने ड्रॉ टूल में जाना है, ड्रॉ टूल में जाने के फ्रेंड सिंपली आपने इसको इस तरह आना है जी लेयर में, इसको आपने पहले मर्ज करना है, मर्ज करने फ्रेंड्स आपने थ्री ड्रॉ भेज के इसको सेव कर लेना, ठीक है। सेव इस करने फ्रेंड्स हमारा जो काम है वो लाइट रूम है फ्रेंड सिंपली, हम अपने लाइट रूम की तरफ जाते हैं, इसको मैं बैक करता हूँ फ्रेंड सिंपली, मैं आप जाता हूँ अपने पिक्सआर्ट में, पिक्सआर्ट के फोल्डर में, उधर से मैं अपनी तस्वीर को सेंड करूँगा जी लाइट रूम में, आपके सामने कोई फेक वुडे नहीं है। तो फ्रेंड सिंपली मैं आ जाता हूँ जी दोबारा बैक पिक्सआर्ट फ्रेंड, ये देखें ये मेरी तस्वीर है, इसको हम सेंड लाइट रूम, ठीक है, एड टू लाइट रूम, ये देखें ये मतलब क्या हो रही है, ये देखें। तो हम जाते हैं जी लाइट रूम में दोबारा, देख लेते हैं कि आई कि नहीं आई तस्वीर फ्रेंड सिंपली, ये देखें हमारी तस्वीर एक्सपोर्ट हो गई है, ये देखें ऊपर मैसेज भी आ गया है फ्रेंड सिंपली, मैं अब आपको एक क्लिक में आपको मैं फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है सिंपली एक क्लिक में फ्रेंड सिंपली, आपने ये प्लस वाला जो तस्वीर के ऊपर प्लस का आइकॉन मिला है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक फ्रेंड आपने टाइम में आ जाना इस तरह, ठीक है। टाइम में आने के बाद सिंपली फ्रेंड्स आपने इस तरह नीचे आना है जी, इस तरह नीचे आ फ्रेंड सिंपली, ये देखें ये रो है, इसको आपने ऐड करना है इस तरह, ठीक है ना, ये हो रहा है 144:1, ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स सिंपली, मैं इसको देख लेता हूँ दोबारा से, ये देखें ठीक है, इस तरह मैं आ जाता हूँ जी टाइम में और ऐड करते हैं दोबारा से इसको और देख लेते हैं अब ये क्या हो रहा है। तो फ्रेंड सिंपली आपने ये देखें, मैं आपको ना जो तस्वीर दूंगा उसके लिए मैंने
अपनी तस्वीर का पहले से प्रीसेट बना के रखा हुआ क्लिक ग्रेडिंग। फ्रेंड उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ वो आपने कैसे यूज़ करना है और उसके ऊपर क्या लिखा होगा। फ्रेंड सिंपली आपने प्लस पे जाना है, प्लस पे जाना फ्रेंड सिंपली ये देखें आपने इस तरह टाइम में आना, टाइम में अगर आ सकते तो ठीक है ना, आप अपनी गैलरी में डायरेक्ट जाके इस तरह तस्वीर को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड सिंपली ये देखें मेरी तस्वीर के ऊपर रा लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये मेरी तस्वीर पर RAW रा लिखा हुआ है, ये मेरी तस्वीर का प्री सेट है। ठीक है, इसको फ्रेंड्स आपने इसका एक्सपोर्ट करना है, ऐड पे जाना है, ऐड पे जाना है फ्रेंड सिंपली आपने इसको इस तरह ऐड कर लेना है। ठीक है, तो थोड़ी सी लोडिंग लेगा फ्रेंड सिंपली ये आपकी इस तरह लाइटरों में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड सिंपली अगर आप इस तरह एक्सपोर्ट ना हो फ्रेंड सिंपली आपने जो जाना है ये अपनी गैलरी में डायरेक्ट, तो इसको जिस तरह हमने तस्वीर को एक्सपोर्ट किया इस तरह आपने इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड सिंपली आपने जो जो तस्वीर को आपने एक्सपोर्ट किया इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने फ्रेंड्स आपने थ्री डॉट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाने के बाद सिंपली फ्रेंड्स आपने इस तरह कॉपी सेटिंग पर क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग में क्लिक करने के बाद फ्रेंड सिंपली आपने इसको ओके करना है, ओके करने के बाद फ्रेंड सिंपली आपने बैक करना है। तो फ्रेंड सिंपली अब आपको मैं एक फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है सिंपली वन क्लिक में, ठीक है ना, आपकी जो आपने तस्वीर पिक्सआर्ट से अपनी लाइटरूम में एक्सपोर्ट की उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स आपने इस तरह थ्री डॉट पर क्लिक करना है इस तरह उसी तरह। ठीक है थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड सिंपली आपने इसको पेस्ट सेटिंग करना है और कुछ नहीं करना और कई सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करना है फ्रेंड सिंपली। ये देखें वन क्लिक में हमारी कलर ग्रेडिंग होगी, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है ये देखें ये बिफोर कुछ हमने क्लिक किया बस वन, ये देखें बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है ये अगर आप फ्रेंड अपनी लाइट वगैरह सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं फ्रेंड सिंपली। मेरी तस्वीर के हिसाब से मेरी ये एडजस्टमेंट ठीक है, मैं इसका फेस के कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँगा इस हिसाब से। ठीक है ना ये देखें थोड़ा सा वाइट कर लूँगा अपना फेस का कलर इस तरह, इसको डन करते हैं, डन कर फ्रेंड सिंपली ये देखें बिफोर एंड आफ्टर सिंपली वन क्लिक में हमारी कलर ग्रेडिंग हो गया। ठीक है फ्रेंड सिंपली आपने इसको इस तरह शेयर पे जाना है, शेयर पे जाना फ्रेंड आपने इसको सेव फ्रेंड सिंपली ये आपकी तस्वीर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी दूंगा, प्रूफ दिखा दूंगा। तो फ्रेंड सिंपली मैं फेक काम नहीं करता, ना ही मुझे की आदत है फेक काम करने की, कि एडिटिंग कुछ और बताना कुछ और आप लोगों को। ओके अब बैग जाते हैं, बैग जाना फ्रेंड सिंपली मैं आ जाता हूँ जी एड फोटोज़ में, अब जाता हूँ फोटोज़ में जाने फ्रेंड सिंपली मैं आ जाता हूँ जी लाइट रूम। ये देखें ये देखें ठीक है ये देखें हमारी डबल एक्सपोर्ट हो गई फ्रेंड सिंपली, ये देखें ये देखें ठीक है ना ये अपना 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 थोड़ा सा चेहरा भी बाटिका फ्रेंड सिंपली। ये देखिए हमारी गैलरी में एक्सपोर्ट हो गई है, कोई मुश्किल काम नहीं, इतने ईजी स्टेप्स हैं। ठीक है फ्रेंड सिंपली आपने इस तरह इसको कर लेना। ठीक है फ्रेंड सिंपली यदि हमारी आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आ जाती है वीडियो को लाजमी लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल की कौन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक फौरी पहुंच जाएं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।